हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है कैप्टन पिकाचू वर्सेस एश पिकाचू के बारे में। कौन है इन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर? अगर देखा जाए दोनों की अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं, और अगर दोनों के बीच में बैटल हुई तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। एश पिकाचू के पास ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है, उसने बहुत सारी जिम बैटल्स और चैंपियन लीग्स में बैटल किया है और जीता भी है। एश पिकाचू के पास वाइड रेंज ऑफ मूव्स हैं। वही अगर हम कैप्टन पिकाचू की बात करें, कैप्टन पिकाचू बहुत स्किल्ड एंड डिसिप्लिन्ड है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। बैटल में उसको हिट कर पाना बहुत मुश्किल होगा ड्यू टू हिज स्पीड। अगर हम जितना अपीयरेंस अभी तक कैप्टन पिकाचू का एनिमे में हुआ है उतना एश पिकाचू का देखे तो कैप्टन पिकाचू इज फार अहेड, ही विल इजिली विन। वहीं पे अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो एश पिकाचू के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वहीं पे कैप्टन पिकाचू के पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। वर्सेटैलिटी की बात करें तो एश पिकाचू के पास बहुत ज्यादा वर्सेटैलिटी है, उसके पास वाइड रेंज ऑफ मूव्स हैं, वहीं पे कैप्टन पिकाचू के पास लेस वर्सेटैलिटी है। फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें या स्ट्रेंथ की बात करें तो एश पिकाचू के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, वहीं पे कैप्टन पिकाचू के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है कंपैरिजन टू एश पिकाचू। डिसिप्लिन की बात करें तो एश पिकाचू इतना डिसिप्लिन नहीं था, जबकि अगर हम कैप्टन पिकाचू की बात करें तो वो मोर मैच्योर और डिसिप्लिन है अपनी फाइट्स को लेकर के और अपने काम को लेकर के। मेरे ओपिनियन में कैप्टन पिकाचू इज विनर। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।